हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धावक में। पिछले वीडियो में पढ़े थे स्पेसिफिक कॉलम क्या होता है और स्पेसिफिक कॉलम और स्पेसिफिक वेट में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप लोग पिछला वीडियो ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो जाकर वहां से देख सकते हैं। दोनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आते भी हैं। आज हम लोग देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब यूज देखा जाए तो बहुत सारा है। अब इसी के बेस पे हम लोग तरल को डिवाइड किया गया है कि तरल कितने प्रकार से होते हैं। पीछे हम बताए हैं कंप्रेसिबिलिटी का थोड़ा सा जिक्र पीछे किया गया है, लेकिन यहाँ पे मतलब विस्तार से देखा जाएगा। अगर हम लोग को कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता को मेजरमेंट करना है तो किस बेस पर संपीड्यता को मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। इससे आप लोगों को अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो जिससे आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी का सारा डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी को कैसे हम लोग अगर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी मतलब कब संपीड हो रहा है कि कब नहीं हो रहा है, टेम्परेचर का क्या वेरिएशन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी इसका हिंदी होता है संपीड्यता। अगर इसका डिफिनेशन बताया जाए तो तरल का वह गुण, तरल में गैस आ जाएगा। आप लोग बताया थे तरल दो फॉर्म में लिया जाता है, यहाँ पे गैस के और लिक्विड के फॉर्म में, तो यहाँ पे तरल दोनों आ जाएगा, तो तरल इसलिए बोला जा रहा है। तो तरल का वह गुण जिस पे बाहरी प्रेशर लगाने पे उसके आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, कुछ ना कुछ क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता बोलेंगे। आप लोग इससे समझ गए होंगे, यानी कि जैसा कि हम पीछे बताए थे पिछले वीडियो में कि एक हम लोग सिलेंडर लेते हैं, उसके ऊपर से हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो उसके वॉल्यूम कम होता है। अगर गैस का बात करें तो गैस का जो बात कर रहे हैं यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, ऊपर देखते हैं जब पिस्टन रहता है तो पिस्टन पर प्रेशर लगता है। प्रेशर क्या होता है, पिस्टन जो प्रेशर लगाता है वो क्या होता है, बाहरी प्रेशर होता है यानी कि बाह्य प्रेशर होता है। अगर किसी भी तरल पर अगर बाह्य प्रेशर लगाते हैं तो उसके आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ये निश्चित है। कुछ परिवर्तन होगा, थोड़ा सा हो ज्यादा हो परिवर्तन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। साधारण भाषा में यही है। अगर एग्जाम में आएगा, अगर आप लोगों को यूपीबीटी में आता है तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसको समझने का मतलब कोशिश करिए। जैसे हम बताए हैं कि बाह्य प्रेशर, अगर किसी भी चीज पे बाह्य प्रेशर लगाया जाए, बाह्य प्रेशर, जब बाह्य प्रेशर लगाएंगे तो उसके वॉल्यूम में यानी कि आयतन में चेंज होगा, ठीक है, आयतन में चेंज होगा। इसी आयतन में जो चेंज होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक। अब जो कंप्रेसिबिलिटी होता है इसको मेजरमेंट भी किया जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि कंप्रेसिबल है कि नहीं है, मेजरमेंट किया जाएगा। जो कंप्रेसिबिलिटी होता है, जो अनेक तरल पदार्थ होते हैं, जैसे बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं, तो जो बहुत सारे जो तरल पदार्थ होते हैं उसका आयतन प्रत्यास्थ गुणांक जो कंप्रेसिबिलिटी होता है उसके क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि, तो यहाँ पे देख लीजिए कंप्रेसिबिलिटी। अब क्या होता है, अनेक तरल पदार्थ हैं, जो अनेक तरल पदार्थ होते हैं तो अनेक तरल पदार्थ का माना जाता है कि अनेक तरल पदार्थ की जो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता है वो क्या होता है कि उसके आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, जो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होते हैं उसके क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे इसको देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का कोई कंप्रेसिबिलिटी को अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी गुणांक की बात करें यानी कि कंप्रेसिबिलिटी कोफिशियंट की बात करें तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, उसका जिक्र आगे आएगा। कंप्रेसिबिलिटी कोफिशियंट, जो कंप्रेसिबिलिटी कोफिशियंट है इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। अब बीटा क्या, हम लोग अभी हम बताए हैं कि अभी यहां पे हम उसको लिख दे रहे हैं, इस पॉइंट को आप लोग याद रखे रहिएगा, अनेक तरलों का संपीड्यता उसके आयतन प्रत्यास्थ ये वाला पॉइंट आप लोगों को एकदम
याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब इसको समझने के लिए अभी हम बता रहे हैं कैसे इसको समझना चाहिए। अब इसे आप लोग क्या पता चल रहा है कि जो संपीड्यता होता है वो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थ यहाँ पर देख सकते हैं, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक जो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के विलोमानुपाती होता है, यानी कि इसके सीधे अपोजिट होता है। अब कैसे आप लोग जानते हैं, समानुपाती पढ़े होंगे, विलोमानुपाती पढ़े होंगे, तो उस चीज को आप लोग मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो संपीड्यता है वो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक को अगर हम लोग देखा जाए, संपीड्यता के जगह पे आयतन प्रत्यास्थ गुणांक को भी हम लोग इसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसका मेजरमेंट कर लें तो हम लोग संपीड्यता पता चल जाएगा, यानी कि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक अगर हम लोग मेजरमेंट कर लें तो हम लोग को संपीड्यता क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। और एक चीज ये भी है, तो जो मतलब हम लोग का संपीड्यता प्राप्त होता है यानी कि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक प्राप्त होता है, इसी को एक टर्म और दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संपीड्यता गुणांक। इसी को क्या बोलते हैं, संपीड्यता गुणांक बोलते हैं, ठीक है। अब इसका अगर इंग्लिश देखा जाए तो इसको बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी कोफिशियंट, जैसा कि हम बताएं इसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला, इससे कुछ फार्मूले बनते हैं जो कि आगे यूज आते हैं, यानी कि आप लोग बोला जाए कि संपीड्यता को कैसे किससे किससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो संपीड्यता को दो चीजों से मेजरमेंट कर सकते हैं, ये तो होता है ये कंप्रेसिबिलिटी कोफिशियंट यानी कि संपीड्यता गुणांक, और ये हो गया आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। ये दोनों चीजों से हम लोग क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरमेंट करेंगे हम लोग संपीड्यता। आप लोगों को ये बातें एकदम ध्यान में रखनी है कि अगर कोई पूछे कि संपीड्यता को कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो संपीड्यता को मेजरमेंट करने का दो तरीका है, संपीड्यता गुणांक निकाल लिया जाए अथवा आयतन प्रत्यास्थ गुणांक निकाल लिया जाए। दो चीज निकालेंगे तो हम लोगों को संपीड्यता पता चल जाएगा। अब देखिए इसे फार्मूला क्या कोरिलेट करता है, आप लोगों को बताए हैं कि हम लोग संपीड्यता को बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा से, और आयतन प्रत्यास्थ गुणांक को आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिएगा, के से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया। तो जो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है इसका एक फार्मूला होता है, अब बता रहे हैं वो फार्मूला क्या होता है। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक को हम लोग के से डिनोट करते हैं और के बराबर होता है कि डीपी डीपी अपान का डीवी अपान का भी, और आगे लग जाता है माइनस। अब ये माइनस क्यों लगा है ये भी आप लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पर डीपी है, अभी इसको अलग अलग हम डिनोट कर दे रहे हैं, डीपी क्या डिनोट कर रहा है और डीवी क्या डिनोट कर रहा है और भी क्या डिनोट कर रहा है। अब देखिए जो भी है उसका इनिशियल आयतन है, यानी कि किसी भी चीज को अगर आप लोग लेंगे, गैस हो या मतलब हम लोग को लेना है फ्लूड्स, गैस हो सकता है और लिक्विड हो सकता है, तो किसी भी अगर हम लोग फ्लूड्स को ले रहे हैं तो इसका वॉल्यूम भी है, तो भी क्या है इनिशियल यानी कि प्रारंभिक आयतन है, ये हो गया प्रारंभिक आयतन। अब आयतन का आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या लिखते हैं मीटर क्यूब, यानी कि अगर आयतन को हम लोग मात्रक हम लोग देखे हैं तो आयतन का होता है मीटर क्यूब होता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जितना हम लिखे हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया प्रारंभिक आयतन मीटर क्यूब हो गया, अब ये डीवी क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब प्रेशर इसको कुछ ना कुछ लगाएंगे तो प्रेशर में क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। अब पहले मान लीजिए कुछ प्रेशर लगाए थे, अब प्रेशर क्या किए बढ़ा दिए, अगर पहले से ज्यादा हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसके प्रारंभिक प्रेशर और इस समय के प्रेशर में अगर देखेंगे तो कुछ डिफरेंट होगा, उसी को हम लोग डीपी मान लिया गया है, डीपी यानी कि चेंज इन प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे दाब में परिवर्तन है, आप लोग जानते हैं दाब को हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि दाब का मात्रक है। अब देखिए जो डीबी हुआ, तो डीबी क्या हुआ, जब हम लोग डीपी दाब मतलब चेंज किए तो यानी कि इसका वॉल्यूम या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, अगर हम लोग दाब कम कर दे रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा, अगर दाब हम लोग क्या कर रहे हैं प्रेशर को ज्यादा लगा दे रहे हैं तो प्रेशर को ज्यादा लगाने पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डीवी है तो ये दाब परिवर्तन यानी कि आयतन में परिवर्तन हम लोग बोलेंगे, दाब के कारण आयतन में परिवर्तन, इसका भी क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन ही है, आयतन में परिवर्तन करेंगे तब भी आयतन ही आएगा, और जो आयतन में परिवर्तन आएगा उसका भी हम लोग क्या करेंगे मात्र जानते हैं मीटर क्यूब होता है आयतन का। तो इतना हम बता दिए किसका, के बराबर माइनस का डीपी अपान का डीवी अपान का भी। अब देखिए जो ये है डीपी अपान का डीवी अपान का भी, अब देखिए इसके आगे माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह क्यों लगा है,
क्योंकि जब हम लोग प्रेशर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं इस कंडीशन में है, माइनस किस कंडीशन में है आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उसके वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि पहले कुछ मतलब वॉल्यूम, मान लीजिए ये हम लोग का कंटेनर था, यहाँ पे था हम लोग का पिस्टन, ये मान लीजिए पी प्रेशर लगा रहा था, अब क्या कर दिए हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिस्टन यहाँ पे चलाएगा, जब पिस्टन अगर यहाँ पे आ गया तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आया ना, तो पहले वॉल्यूम तो इतना था, पहले वॉल्यूम इतना था, लेकिन अब क्या हो गया, वॉल्यूम घट गया, जब वॉल्यूम घट गया तो ये क्या हो गया, मान लीजिए वी डैश हो गया, पहले वी था अब क्या हो गया वी डैश हो गया, यानी कि पहले से वॉल्यूम कम हो गया, तो ये क्या हो गया इसकी डिक्रीजिंग वॉल्यूम हो गया, यानी कि कम हो गया, तो ये जब वॉल्यूम अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि ये दिखा रहा है आयतन में कमी, आयतन में कमी के कारण ऋणात्मक चिन्ह, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे बता दिए हैं, इतना हो गया, आप लोग इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे, अभी इसके बाद से एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया डीपी अपान का, डीवी अपान का भी आप लोगों को बता दिए क्या होता है कि के बराबर, यानी कि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक जो होता है डीपी और डीवी और भी क्या क्या होता है आप लोगों को बता दिए। अब यही चीज बताया गया है कि ये लिखने का मतलब मेन मकसद यही था कि आप लोगों को बताया गया कि आयतन प्रत्यास्थ जो गुणांक होता है वो हम लोग जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है, यानी कि जैसा कि बताए इसको संपीड्यता गुणांक को बी से डिनोट, बीटा से डिनोट करते हैं, जब बीटा से डिनोट करते हैं यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान का के, इतना तो बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है यानी कि उसका अपोजिट होता है। अब देखिए अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए यानी कि डीपी को इंक्रीज किया जाए, यहाँ से इसको ऐसे समझिए सिंपल में, अगर यहाँ इसको मिटाने दीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसको आप लोग अच्छे से समझिए जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा डीपी डीवी और भी में, यानी कि कब इंक्रीज होगा तो कब उसका प्रेशर यानी कि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हो गया या उसका कंप्रेसिबिलिटी हो गया कब डिक्रीज करेगा। अगर यहीं पे आप लोग देखिए, अगर डीपी को हम लोग क्या करें इंक्रीज कर दें, जब हम एरो ऊपर की तरफ बनाए रहे हैं तो यानी कि इंक्रीजिंग का कंडीशन है, जब एरो नीचे की तरफ बनाएंगे तो डिक्रीजिंग का, जब नहीं बनाएंगे तो यानी कि नो चेंज है। अब देखिए डीपी को यानी कि डीपी अब एरो ऊपर बना दिए यानी कि इसको इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा के का वैल्यू ये प्रपोर्शन ही है, यानी कि के का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी कि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान बढ़ रहा है। अब देखिए ये तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान भी बढ़ रहा है, अब क्या करेंगे जैसे जैसे प्रेशर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर तो बढ़ाए तो प्रेशर बढ़ाए तो के का मान भी बढ़ा, जब के का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा डीवी अपान का भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर इसका डीवी अपान का भी यानी कि वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर लगाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इसका आयतन कम कम होता जाएगा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, यानी कि के का वैल्यू बढ़ाते हैं तो डीवी अपान का भी हम लोग का कम हो जाएगा। तो सब क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है कैसे, अगर आयतन प्रत्यास्थ गुणांक आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, अब आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ाएंगे आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान, तो वैसे वैसे हम लोगों का क्या होगा आयतन में कमी होगा। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो उसके आयतन में आप लोग जानते हैं जनरली कमी होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इसी से उठा देता है, अगर हम लोग इसके आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान अगर बढ़ा रहे हैं तो हम लोग का वॉल्यूम क्या होगा मतलब कम होगा कि बढ़ेगा, ये क्वेश्चन उठा देता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे ये वाला आप लोग डायग्राम अपने नोटबुक में बना सकते हैं कि यानी कि अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम उसका, आप लोग यहाँ से इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि जो हम लोगों का कंप्रेसिबिलिटी कोफिशियंट होता है यानी कि कंप्रेसिबिलिटी कोफिशियंट यानी कि संपीड्यता गुणांक जो होता है बीटा, बीटा क्या होता है वन अपान यानी कि उसके विलोमानुपाती होता है किसके आयतन प्रत्यास्थ गुणांक है, अभिलोमानुपाती हो गया यानी कि इसके वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ाएं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आप लोग जानते हैं ये तो इंटरलिंक ऐसे ही करता है। मान लीजिए बीटा क्या है इसके बीच में यूनिवर्सल प्रोपोर्शन लगा दिए के लगा दिए, अब जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे बीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अब ऐसे बीटा का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं रहेगा, मान लीजिए हम लोग का के का वैल्यू इससे हम लोग इंटरलिंक कर रहे हैं, मान लीजिए के का वैल्यू हम लोग बढ़ा दिए, अब यहाँ से इसको देखिएगा
के का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान बढ़ा रहे हैं, तो जब आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान बढ़ाएंगे तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि संपीड्यता घटेगी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान बढ़ाने पर संपीड्यता घटती है। अब क्या हो गया, अगर आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान कम कर दिए तो इसकी संपीड्यता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये दो चीज ध्यान देना है। एक चीज यहां से इंटरलिंक यहां पे भी करेगा, अगर आप लोग देखें इसको आगे बढ़ाएं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, के जगह पर इसका वैल्यू रख दीजिए, तो के जगह पर जब इसका वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का, माइनस का ये हो जाएगा 1/dp और dv/v। अब ये dv/v ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dv/v/dp, इतना आएगा। अगर इसका मात्र पूछा जाए, जैसे के का अगर मात्र पूछा जाए तो के का मात्र क्या होता है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा यूनिट, किसका यूनिट, यूनिट के का है, ये यूनिट इसका है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर आप लोग देखें तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे, क्योंकि इसका भी मीटर क्यूब होगा, इसका भी मीटर क्यूब होगा, तो मीटर क्यूब से कट जाएगा, यहाँ पे न्यूटन दाब का होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यही सिर्फ बचेगा। यानी कि के का अगर आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मात्र पूछा जा रहा है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर इसका मात्र पूछा जा रहा है तो आप लोग इसका अपोजिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लोग जानते हैं के का होता है, तो 1/n है, तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो इसका मात्र हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, इसका यूनिट है, किसका है, ये बीटा का, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, इतना आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिए थे हम लोग, जैसे जैसे के डीपी का वैल्यू बढ़ा रहे थे तो के का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, यानी कि के का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो यानी कि बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर हम लोग दाब बढ़ा दे रहे हैं, डीपी अगर इंक्रीज कर दे रहे हैं तो हम लोग के का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आप लोग देखे हैं कि के का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी घट जाती है, दाब बढ़ाने पर कंप्रेसिबिलिटी घट जाती है, आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद से क्या देखते हैं, के का के सेचुरेशन आप लोग देख लिए, इतना आप लोगों को ध्यान देना है। तो आप लोग देखें कि कैसे मतलब दाब बढ़ाने पर कंप्रेसिबिलिटी घटती है। और एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, टेम्परेचर वेरिएशन, अभी आपको बताएंगे कि टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होता है। अब देखिए यहाँ तक आप लोग समझे, यानी कि बीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/k के बराबर होता है, 1/k यानी कि k का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखे तो dv/v/ dp आ गया, इतना आप लोगों को फार्मूला लिख लेना है और इसका मात्रक याद कर लेना है। अब देखिए एक चीज और आता है, अब इसको समझा जाए तो जैसे मान लीजिए कोई द्रव है, अब द्रव में क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, जल तो जनरली सब जगह होता है, तो जल का हम मान लेते हैं यहाँ पे एक चीज कि जल सामान्य दाब पे और सामान्य ताप पे, जल का सामान्य दाब पे और सामान्य ताप पर उसका आयतन जो प्रत्यास्थ गुणांक होता है के का मान होता है 2 × 10³ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना होता है, किसका होता है, के का वैल्यू होता है जल के लिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जल के लिए, वो भी कब होगा, सामान्य तापमान पे और सामान्य दाब पे, उस कंडीशन होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 × 10³ है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसके मतलब आप लोग क्या समझ सकते हैं, इसके मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी अगर हम लोग इससे देखें कंप्रेसिबिलिटी से देखें तो कंप्रेसिबिलिटी बराबर आप लोग जानते हैं बीटा इक्वल टू 1/k होता है। तब इसका वैल्यू अगर यहाँ पे लाके देख रखें तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग 1 न्यूटन अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1 मेगा न्यूटन, ऐसे देखिए 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर हम लोग दाब डाल रहे हैं तो दाब डालने पर इसके आयतन में 1 मेगा न्यूटन दाब, 1 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब डालने पर इसके आयतन में 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब डालने पर इसके आयतन में आयतन का 2000वां भाग का अंतर, यानी कि 2000वां भाग का अंतर मतलब पहले जो आयतन था उसका हम लोग क्या करेंगे, 1/2000वां भाग निकालेंगे, 1/2000वां भाग जो निकालेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो प्रारंभिक आयतन से हम लोग घटा देंगे, तो जो इसका डिफरेंट आएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, उतना ही आयतन में चेंजिंग होगा।
अब आप लोग यहां से एक चीज देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम एक लें तो ये नगण्य परिवर्तन होगा, अगर आप लोग भाग देंगे तो पॉइंट करके 0.00 कुछ करके आएगा, तो इतना आप लोग इसको नगण्य मानते हैं। ठीक, तो ये जल के लिए था, आप लोगों को बताया गया है क्योंकि जल का वैल्यू हम लोग को पता है का 2×10³ होता है, उसके लिए बताया गया है। अगर हम लोग 1 MN/m² दाब डालते हैं तो उसके आयतन में कितना की कमी होगी, यानी कि डिफरेंस कितना देखा जाएगा, उसके आयतन का यानी कि प्रारंभिक आयतन का 1/2000वां भाग का अंतर जितना आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आयतन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है जो जल है, जल का क्या होता है, आयतन यानी कि दाब लगाने पर जल का आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है, यानी कि मामूली सा परिवर्तन होता है। अगर प्रयोगशाला में देखा जाए तो उसको पता चलता है, जनरली अगर हम लोग ऐसे देखा जाए दैनिक जीवन में तो ऐसे पता नहीं चलता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसी कारण इसके आयतन में इतना परिवर्तन हो गया, इसी कारण जल के जल पर दाब लगाने से उसके आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। जल मतलब दाब लगाया जाए तो जल के आयतन में नगण्य परिवर्तन होगा, इससे आप लोग पता कर लीजिए, देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं। अब क्या होगा, दाब लगा दिए, 1 MN का परिवर्तन आया इतना, यानी कि आयतन प्रारंभिक आयतन के इतने में भाग का हम लोग डिफरेंट देखेंगे। आप लोग जानते हैं जाहिर सी बात है इतना का डिवाइड करेंगे, अगर वॉल्यूम एक ले लिया जाए तो डिवाइड करेंगे तो वैसे ही 0.0005 आएगा, तो इतना तो बहुत कम हो गया, इसलिए मान लिया जाता है कि इसके आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है, यानी कि परिवर्तन होता ही नहीं, इसलिए बोला जाता है कि जो जल होता है इनकॉम्प्रेसिबल होता है। पहले ही आप लोगों को बताया गया था जो जल होता है, जल क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब असंपीड्य होता है, जल को दबाया नहीं जा सकता, इसी कारण बोला जाता है। लेकिन गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, उसको दबाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग कंप्रेसिबिलिटी देख लिए, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, उसके फार्मूले क्या होते हैं, उसके मात्रक क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखेंगे छोटा सा न्यूमेरिकल जिससे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंप्रेसिबिलिटी का क्वेश्चन किस बेस पे आता है और कैसे इसको हैंडल करना है, यानी कि कैसे इसको लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दिए हैं कि क्वेश्चन क्या है, 0.8 MN/m² का दाब लगा करके किसी द्रव का आयतन 0.04% कम कर दिया जाता है, यानी कि पहले जितना आयतन था उसका मान लीजिए आयतन मान लेंगे यहाँ पे 100, अभी हम बताएंगे कैसे लगेगा। मान लीजिए पहले आयतन कुछ और था, जब हम लोग बाहर बाहरी से दाब लगाएंगे, जैसा कि हम बताएं कि कंप्रेसिबिलिटी में होता क्या है, बाहर से दाब लगाया जाता है, यानी कि हम लोग जो जितना भी दाब लगाते हैं वो बाहरी दाब रहता है, यानी कि उसका मतलब नेचुरली दाब नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पे लगाया जाता है द्रव का आयतन गुणांक यानी कि के और संपीड्यता गुणांक यानी कि बीटा का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हम बताए हैं कि अगर हम लोगों को कंप्रेसिबिलिटी ज्ञात करना रहेगा तो दो चीज अगर हम वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि के का वैल्यू और बीटा है यानी कि संपीड्यता गुणांक का वैल्यू, अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो संपीड्यता वैसे ही उसकी मेजरमेंट करने की ये दोनों विधियां हैं। अब देखिए अगर हम बताए हैं कि दोनों का मान ज्ञात करना है तो दोनों का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन डाटा रहेगा पहले उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले इसका गिवन डाटा क्या है, इसका प्रेशर दिया गया है इतना लगा करके, यानी कि प्रेशर इतना लगा करके हम लोग क्या पढ़े हैं, डीपी, डीपी मतलब प्रेशर में डिफरेंट कितना हुआ, यानी कि पहले प्रेशर कितना था उस जनरली अब लगाया गया, यानी कि जितना लगा दिया गया दोनों का डिफरेंट कर देंगे तो हम लोग डीपी निकल जाएगा, वही यहाँ पे गिवन है, यानी कि 0.8 MN/m² इतना दिया है। अब कह रहा है कि किसी द्रव का आयतन इतना प्रतिशत कम हो जाता है, अगर हम लोग अगर मानेंगे दो तो उसमें दो का इतना प्रतिशत निकालेंगे फिर उसमें से घटाएंगे तब जो वैल्यू आएगा उतना कम हो रहा है, लेकिन इसको सिंपल से सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले मान लेते हैं प्रारंभिक आयतन भी का वैल्यू 100। अब 100 में क्या हो गया, इतना प्रतिशत कम हो गया, यानी कि डेल्टा भी, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा 0.04, यानी कि प्रारंभिक आयतन जो था अब जो आयतन हो गया, यानी कि पहले 100 था, 100 से इतना कम हो गया, यानी कि इसके में इतने में डिफरेंट कितना आया, यानी प्रेशर जब हम लोग लगा दिए तो उसमें डिफरेंट कितना है, 0.04 का डिफरेंट आया। अब ये क्या होता है, मीटर क्यूब में होता है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब, यहाँ पे भी मीटर क्यूब लिख देंगे। अब देखिए हम लोग का पूछ रहा है द्रव का आयतन गुणांक, आप लोगों को अभी बताएं फार्मूला के, के बराबर क्या होता है, माइनस का डीपी अपान का डीबी अपान का वी। अब देखिए एक चीज और है,
अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे के का वैल्यू पा रहे। अब जो के का वैल्यू है इसका आप लोग मात्रा बताए हैं कि क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि के का मात्रक वही होता है जो हम लोग का दाब का मात्रक होता है। दाब का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका भी के का मात्रक भी वही हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे के का वैल्यू, अब देखिए माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इसके दाब में क्या हुआ है कम, सॉरी आयतन में क्या हुआ है कमी हुआ है, दाब लगाने पर उसके आयतन में कमी हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और डीपी कितना है, यानी कि डीपी मतलब दाब में परिवर्तन, 0.8 अपान का वी वॉल्यूम 100, यानी कि और दाब में सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम वो रखेंगे जो कि डिफरेंट है, यानी कि उसके वॉल्यूम में डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा वी की जगह पे ये भी डी वी लिख देंगे, डेल्टा वी का काम करेगा यानी कि आयतन में परिवर्तन। अब यहाँ पे आयतन में परिवर्तन वहाँ पे देखेंगे 0.04 है। अब यहाँ पे वो टोटल वॉल्यूम कितना है 100 m³ है। अब ये 100 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको हम लोग साफ करेंगे तो माइनस का 0.8 मल्टीप्लाई 100 अपान का 0.04 इतना आ गया। अब देखिए दशमलव दोनों से हटा देंगे, यहाँ पे एक स्थान पे, यहाँ पे दो स्थान पे है, यानी कि एक स्थान से एक स्थान हट जाएगा, नीचे के लिए ऊपर एक ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ पे 8000 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो 2000 आ जाएगा, यानी कि के का जो वैल्यू है 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये मेगा रहेगा, सॉरी इसका वैल्यू हम जानते हैं मेगा न्यूटन है, तो इसका हो जाएगा मान आएगा मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे मेगा न्यूटन दिया हुआ है। अब देखिए इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको गीगा में बदल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 GN पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ जाएगा हम लोग का ये आंसर हो गया। किसका अभी तो के का वैल्यू हम लोग को निकला है, बीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि सब बीटा का गुणांक आप जानते हैं बीटा बराबर क्या होता है 1/k होता है, तो इससे भी लगा सकते हैं 1/k से, या बीटा का वैल्यू जो हम बताए हैं अभी बीटा का मान क्या होता है 1/v·dv/dp, इससे भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इससे लगाएंगे तो वैल्यू फिर यही रखना पड़ेगा, अगर k का वैल्यू हमको ज्ञात हो गया तो बीटा का वैल्यू यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे 1/2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, फिर ये हो जाएगा गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना आप लोगों का क्या हो गया आंसर आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, तो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, तो आप लोग इसको सॉल्व करते रहिएगा और बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप लोग कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, आप लोग देख लीजिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे है आप लोग समझ गए, इसमें ताप में बहुत कम परिवर्तन होता है, आप लोग जानते हैं कि जल में दाब और ताप का कम परिवर्तन होता है, यानी कि जो जल होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, ताप में बहुत कम नगण्य परिवर्तन होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, तो जाकर वहां से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे जितनी वीडियो बनती हैं वो सारी अपडेटेड वहां पे होते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।